नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीएस के एक महत्वपूर्ण भाग संविधान। संविधान में हमने पूरा ब्यौरा पढ़ लिया है, संविधान बनना कहाँ तक, उसकी कंप्लीट अनुच्छेद भाग सारी चीजें। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा संसद के द्वारा कुछ समितियों का गठन होता है। वो समितियां क्या करती हैं? जांच करना, देखरेख करना, सलाह देना, शासन व्यवस्था पर पूरी व्यवस्था यानी कि राष्ट्र की पूरी व्यवस्था की देखरेख करना, जांच करना, कोई कमी हुई उसमें सुझाव देना, सुधार करना, इन चीजों के लिए टाइम टाइम पर और अलग अलग जांचों के लिए डिपार्टमेंट के लिए समितियां बनाई गई हैं। इसका डिसीजन कौन करेगा? संसद करेगी। तो ऐसे कुछ प्रमुख समितियों पर हम नजर डालते हैं जहां से सवाल बनते हैं। आज की वीडियो पर हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे, समितियों का नाम, उनका कार्य क्या है, सदस्यों की संख्या क्या है, इन चीजों पर आज पूरी चर्चा करते हैं। तो संसद में तो वैसे बहुत सी समितियां हैं, लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टि से जो जरूरी है, जहां से सवाल बनते हैं, उन समितियों पर, जैसे 6-7 समितियों को मैंने प्रमुख समितियों को लिख रखा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, अगर आपको दिखाई दे रहा ठीक है, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए और मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए इसे समझते हैं कि इनका क्या सिस्टम है, कार्य क्या है, कार्यकाल क्या है, सदस्य बनते कैसे हैं और बनने के बाद करते क्या है। शुरू करते हैं। तो पहली बात कि संसद के द्वारा बनाई गई समितियां होती हैं। जब किसी सरकार या संसद का गठन होता है तब समितियां अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनाई जाती हैं, जो उन पर जांच करेंगी, रिपोर्ट पेश करेंगी। तो पहला आ जाता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, लोकसभा, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, कितने? 30। क्वेश्चन आपसे पूछता है प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होगा। मैंने कट किया है, सामने देखिए, राज्यसभा का कोई सदस्य इसमें नहीं भाग लेगा। आगे बढ़े, इसमें अगर कोई व्यक्ति संसद का यानी लोकसभा का सदस्य मंत्री पद पर है तो वह इसका सदस्य नहीं बनेगा, प्राक्कलन समिति में उसे पद नहीं दिया जा सकता, यानी वह सदस्य नहीं बनेगा। तो कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका कार्यकाल। कार्यकाल की हम बात करें तो एक वर्ष होता है, सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है, प्रतिवर्ष समिति का गठन होता है और सदस्य बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, इनकी किसी सदन में बहस नहीं होती, इन समिति में सदस्यों की कोई बहस किसी सदन में नहीं होती, ये समिति के सदस्य स्वयं डिसाइड करते हैं। ये जो 30 सदस्य हैं लोकसभा के, इनकी बहस, इनके मुद्दे, चर्चाएं किसी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में नहीं होगी। आपने देखा राज्यसभा से तो इनका लेना देना नहीं है, राज्यसभा का कोई सदस्य इसमें भाग ही नहीं ले सकता, तो वहां तो पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात, किसी सदन में चर्चा नहीं होगी, ये सदस्य स्वयं आपसी चर्चा करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। चलिए, तो करना क्या है, इनकी बहस किसी सदन में नहीं की जाती है और विचार इनके सदन के समक्ष रखना होता है। जो ये विचार या विमर्श या रिपोर्ट तैयार करेंगे उसे सदन यानी कि संसद, लोकसभा, लोकसभा के समक्ष रखेंगे, तो संसद के समक्ष रखेंगे। और जांच, इनका कार्य क्या है, किस चीज की जांच करेंगे, सरकार के खर्चे की जांच करना और रोक लगाना, सरकार जो खर्चा कर रही किसी चीज पर उसको जांच करना उचित है या अनुचित है। उसके बाद अगर फिजूल खर्ची है, फालतू खर्च हो रहा है, मित व्ययिता, अगर आप सर्च करके पढ़ेंगे या किताबी भाषा में तो मित व्ययिता यानी अत्यधिक या फिजूल खर्ची लिखा है, मैंने आसान भाषा में आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिख दिया है कि सरकार के खर्चों की जांच करना उचित है तो ठीक है, फर्जी है तो रोकना, फालतू खर्च है तो रोकना। ये हो गया प्राक्कलन समिति। आगे बढ़ते हैं हम लोक लेखा समिति। नेक्स्ट आता है संसद के द्वारा लोक लेखा समिति। 22 सदस्य होते हैं टोटल, सदस्यों की संख्या की बात करें तो 22 सदस्य हो गए, लोकसभा से 15 सदस्य लिए जाते हैं और 7 राज्यसभा से। फिर एक और बात, कोई मंत्री यहां भी सदस्य नहीं बनेगा, लिखा नहीं है। चलिए, तो 22 सदस्यों में 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, यह हो गया। उसके बाद अध्यक्ष की बात कर लें तो लोक लेखा समिति में जो सरकार विपक्ष में होगी यानी सरकार के विपक्षी पार्टी, जो पार्टी विपक्ष में होगी
उसका एक व्यक्ति यानी उसका सदस्य, विपक्ष पार्टी का सदस्य इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? विपक्ष का सदस्य होना चाहिए, विपक्षी पार्टी का सदस्य। चलिए आगे देखते हैं। कार्यकाल की बात करें, इस समिति के लिए कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होती है और इनका समय 1 वर्ष के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। कार्य क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना यानी उनके आदेशों के या उनके कार्यों की जांच करना। लोक लेखा समिति का कार्य है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना और संसद के प्रदत्त धन से अधिक व्यय की जांच करना। अगर कोई सरकार पैसे खर्च कर रही हो उतना जितना संसद ने दिया है, अगर उससे ज्यादा खर्च हो रहा है तो इस बात की जांच करना कि वो क्यों खर्च हो रहा है, क्यों किया जा रहा, क्या उचित है, इस चीज की जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य है। यानी कि आपने देखा दोनों समितियों का लगभग एक जैसा कार्य ही है, पैसों की जांच करना। तो संसद के द्वारा जो बजट पास किया गया उससे ज्यादा सरकारें खर्च करें तो उसकी जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य हो गया। आगे बात करते हैं सरकारी उपक्रम समिति। उपक्रम क्या होता है? कल कारखाने, विद्युत परियोजनाएं, व्यवस्था, उपक्रम हो गया। टेक्नोलॉजी की बात करें उपक्रम में गिना जाएगा। तो यह एक समिति है सरकारी, इसमें 22 सदस्य होंगे। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य करेंगे क्या? सरकार के द्वारा लगे कारखाने, मिल और फैक्ट्रीज, जो भी ऐसे व्यवस्था है, विद्युत संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, इनकी देखरेख करना, उन पर विचार विमर्श, जांच करना, ये सारा काम किसका? सरकारी उपक्रम समिति का। 22 सदस्य टोटल होंगे, 15 लोकसभा से आएंगे और 7 राज्यसभा के सदस्य होंगे। यह एक स्थायी सदन होता है, फिर भी इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। सदन स्थायी है और गठन प्रतिवर्ष किया जाएगा। यहां भी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी सदन का कोई व्यक्ति जो मंत्री पद पर है वह इसमें सदस्य नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज, जो मंत्री पद पर है वो सदस्य नहीं बनेगा। आगे देखते हैं अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन चुनेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही अपने पार्टी में से यानी कि अपने समिति में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनेगा। तो हम बात करें सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति या चुनाव कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। आगे देख लेते हैं कार्य क्या है इनके। मैंने आपको बताया सरकारी उपक्रमों की जांच, तो सरकारी उपक्रमों की क्षमता, कार्य कुशलता की जांच करना, यानी कि कोई फैक्ट्री, कोई कारखाने बने हैं तो उनकी क्षमता कितनी है, जरूरत क्या है, कितने मजदूर कितने व्यवस्था में है, काम कितना हो रहा है, उत्पादन क्षमता कितनी है और वर्कलोड कितना है, क्या वो सही कार्य कर रहा है, क्षमता से ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, व्यवस्थाओं की जरूरत है, मशीनें कमजोर हो चुकी या पुरानी हो गई, नई मशीनों की जरूरत है। तो इन सब की जांच करना सरकारी उपक्रम समिति का कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति का मतलब क्या हो गया? कोई कार्य करने के लिए सलाह देना, मंत्राना, जैसे मंत्री लोग क्या करते हैं, आपने देखा राजा के मंत्री क्या करते थे, सलाह देते थे। तो मंत्रणा समिति विचार विमर्श, इसमें 15 सदस्य टोटल होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य होंगे। लोकसभा अध्यक्ष यहाँ का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उसे इस पद पर माना जाता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब यह पद उसे दिया गया है, कोई चुनाव करके नहीं, मान्य करके, मनोनीत, यानी लोगों ने कहा कि आप इसके अध्यक्ष होंगे। चलिए तो यहां ध्यान देना होगा लोकसभा का अध्यक्ष ही इस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा में। अब देखिएगा कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों में होगी, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। लोकसभा में 15 सदस्य और उनका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। वही चीज राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दो व्यक्ति हो गए प्लस 11 अन्य, यानी कि टोटल 13 सदस्य होंगे, जिसमें एक सभापति, एक उपसभापति और 11 अन्य सदस्य होंगे राज्यसभा में। सभापति ही इनका पदेन सभापति होगा, जैसे अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष है लोकसभा में, राज्यसभा में सभापति, जो ये सभापति, यही इसका पदेन सभापति होगा, यह भी बिना चुने हुए में, जैसे मनोनीत के तौर पर पदेन। चलिए आगे देखते हैं अगली समिति की बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति।
तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति में 30 सदस्य होंगे टोटल, 20 सदस्य लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होंगे। इनका कार्य क्या होगा? अनुसूचित जाति जनजाति और उनके क्षेत्रों यानी इन लोगों के कल्याण के लिए विचार विमर्श करना, कल्याण के लिए, और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में, जो कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता होगा जो जनजाति क्षेत्र, ऐसे ये व्यक्ति जनजाति या जाति वहां के जहां क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन हो, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ले हम, तो केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र ही पूरा क्षेत्र किसके अधीन? केंद्र सरकार के अधिकार में होता है। तो उन क्षेत्रों में जनजाति और अनुसूचित जाति लोगों के कल्याण पर विचार विमर्श करना, सुझाव देना, इस समिति का कार्य है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति, सदस्य 30, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति में 25 सदस्य होंगे, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रतिवर्ष गठित किया जाता है। इसमें क्या होगा, यह गठन या समिति की गठन इसका हर साल किया जाता है। आपने देखा सभी समितियों का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। दूसरी चीज, अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, सभापति मतलब राज्यसभा का सभापति, इनके द्वारा इस समिति का गठन किया जाता है। कुछ सदस्यों की टीम होती है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि इनकी संख्या फिक्स नहीं होती। यहाँ 25 सदस्य बनाने हैं और लोकसभा से 15, 10 राज्यसभा से, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष इसे सजेस्ट कर दे, गठन कर दे, या फिर राज्यसभा का सभापति इसे गठन गठित कर दे। तो ये हो गया विशेषाधिकार समिति। चलिए आगे देख ले हम, 7 नंबर, संसद सदस्य के वेतन भत्तों के लिए बनी इससे संबंधित समिति। तो ये एक समिति है, इसका गठन 1954 में पहली बार किया गया था। ये क्या करेंगे, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन भत्ता निर्धारित करेंगे, उनकी जांच करेंगे, देख रेख करेंगे। तो इन चीजों पर सुझाव, समर्थन, व्यवस्था सरकार को देना, जांच करना किसका कार्य है, संसद सदस्य वेतन भत्ता समिति। तो इस प्रकार से कुछ संसद के द्वारा बनाई महत्वपूर्ण समितियों को हमने देखा। तो दोस्तों यहां से बनने वाले सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए होंगे। आज का वीडियो यहीं रखते हैं, धन्यवाद।